इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल क्लास नाइन्थ। आज हमारा टॉपिक होगा क्लास नाइन्थ का लाइंस एंड एंगल चैप्टर। इसमें सबसे पहले हमें लाइंस, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी कोई भी लाइन क्या होती है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती उसे हम लाइन बोलते हैं, एंड डिनोटेड बाय समटाइम्स स्मॉल लेटर्स एल कॉमा एम कॉमा एन, इनसे हम डिनोट करते हैं। कोई भी लाइन को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। रे, ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे, यानी कि कोई भी एक लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है उसे हम रे बोलते हैं। इसको हम ए बी से डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर एक रे का जो सिंबल होता है उसे हम डिनोट करते हैं। एंड लाइन सेगमेंट, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट डिनोटेड बाय ए बी, जैसा ये आपको दिख रहा है। कोई भी लाइन सेगमेंट है इसको हम ए बी और उसके ऊपर जो बार लगा दिया इसे हम डिनोट करते हैं। पॉइंट, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, यानी पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, अब देखिए पॉइंट तो हमने पढ़ लिया तो, बट यहां पर कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर हमारे पास थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट हैं, अगर वो एक लाइन में हैं, तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, अगर वो लाइन में नहीं हैं, तो वह नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे आपके। इंटरसेक्टिंग लाइन, नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, टू डिस्टिंक्ट लाइन आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट, कोई भी टू लाइन दे रखी है जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइन्स, यानी कि कोई भी दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी जब वो पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो आगे आप कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। जैसे सपोज डैट ए बी एक लाइन दे रखी, दूसरी लाइन सी डी दे रखी है, इनके बीच में कॉन्स्टेंट डिस्टेंस रखे है। एवरी पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ले लें उनके बीच में कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल है, तो ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। इनको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस को किससे डिनोट करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट एंगल, एन एंगल इज फॉर्म टू रेज ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टिक्स ऑफ ए ट्रायंगल, वर्टिक्स ऑफ ए एंगल। यानी कि एंगल क्या होता है, जैसे हमने ये दिया है एक डायग्राम बनाया है जिसमें टू आर्म्स दे रखी है, यानी कि कोई भी टू रे दे रखी है जिनका एक एंड पॉइंट होता है, जिस जो यहाँ पर दोनों रे मिलती हैं और एंड पॉइंट पर उसको हम वर्टिक्स बोलते हैं, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम एंगल बोलते हैं, जो डिस्टेंस हो रही है, और ये आर्म्स कहलाती हैं जैसे ये डायग्राम में दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ एंगल, कितने टाइप के एंगल होते हैं। यहाँ पर हम पहले टाइप ऑफ एंगल के बारे में बता देते हैं, कौन कौन से पॉइंट। नंबर फर्स्ट एक्यूट एंगल, नंबर सेकंड राइट एंगल, नंबर थर्ड एब्ट्यूज एंगल, नंबर फोर्थ स्ट्रेट एंगल, नंबर फाइव रिफ्लेक्स एंगल, नंबर सिक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नंबर सेवन सप्लीमेंट्री एंगल्स, नंबर एट एडजेसेंट एंगल्स, नंबर नाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, नंबर टेन वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये सारे पॉइंट जो टेन पॉइंट हो गए इनको डिस्कस करते हैं। अब सारे कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये कितने टाइप के एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ग्रेटर हो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जैसे ये डायग्राम में दे रखा है। नंबर सेकंड क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, जैसे टू आर्म्स के बीच में जो 90 डिग्री जो बना है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। एब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एब्ट्यूज एंगल 180 से लेस देन होता है 90 से ग्रेटर, यानी कि एक्स लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये एब्ट्यूज एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल,
रिफ्लेक्स एंगल लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई भी एंगल 360 डिग्री से कम हो और 180 डिग्री से ज्यादा हो तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, कोई भी टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जिनका कॉमन वर्टिक्स होता है। ऐसे कोई भी टू एंगल ले लीजिए जिनका एक वर्टिक्स कॉमन हो उन्हें हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, अगर कोई भी टू एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें हम लीनियर पेयर बोला जाएगा। उन दोनों एंगल को क्या बोला जाएगा, लीनियर पेयर। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, टू लाइन ए बी एंड सी डी ये इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, तो हमारा ए ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओ सी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। एंड ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे आपके। नेक्स्ट पॉइंट एक और है आपका, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, कोई भी टू, एक एल एंड एम टू पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एंड इसमें डायग्राम में आपको एन कोई ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है। इसमें कौन कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इसे जो डायग्राम जो दिया है उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल, सबसे फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 5, 2 एंड 6, 4 एंड 8, 3 एंड 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये सारी वैल्यू इक्वल होती हैं। नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस डायग्राम में आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से, इस डायग्राम में दे रखा एंगल 7 एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8 एंगल 2 एंड एंगल 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और नेक्स्ट क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो जो ट्रांसवर्सल जो लाइन दे रखी है उसकी एक तरफ के जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड आगे एंगल 3 एंड एंगल 6, ये हो गए अल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल।